खबर बदायूं से, जो निर्माणाधीन सरकारी स्कूल में लटका मिला युवक का शव। मृतक युवक कस्बा उसेहत के वार्ड नंबर 1 का अजय चंद्र शाकी के रूप में उसकी पहचान हुई है। शव लगभग 4 दिन पूर्व से लटका हुआ प्रतीत हुआ। मृतक के परिजनों का कहना है कि 5 दिन पूर्व माँ बाप से नाराज होकर वो घर से निकला था। बाहर काम करने जाने के लिए वो निकला था। परिजनों का कहना है कि मृतक युवक अक्सर शराब पीता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। परिवार ने तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला उसेहत थाना क्षेत्र के उसेहत कटरा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के समीप का बताया जा रहा है। शिवराज जो है, यहाँ पर एक सब लटका हुआ है कुंडे से, क्या मामला है? ये घर से सर नाराजगी में आया, काम की पैके आया है। तो ये कौन है आपका? ये हमारा सगा भाई है, अजय चंद नाम है। अजय चंद नाम है। तो ये कब घर से निकला था और किस तरह से आज आपको जानकारी हुई है? ये हमें जानकारी ऐसे, हम काम करते थे रोड किनारे से, तो वहाँ पर मतलब व्यक्ति गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई लटका हुआ है तो जाके देखो, तो हमने फिर हम आए वैसे। मुझे पहले मिला। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दे दी है? नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो ये पता था कि काम पे गए थे, बैग लेके आया, तो मुझे इस बात का कोई नहीं रहा कि नहीं। अब आपने पुलिस को सूचना दे दी कि यहाँ पर इस तरह से ये हमारा छोटा भाई लटका हुआ है, दे दिए। तो आप क्या लगता है आपको इसने इस तरह का क्यों किया है? क्या नाराजगी थी? नाराजगी से ये घर पे माँ बाप को भत्ती भत्ती गाली दे के आए, गलत सलत बोला है इसलिए और चला आया। और ये दारू भी पीता है खूब। शादीशुदा इनकी शादी हो चुकी थी क्या? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई अभी, आप ही भाई। कितनी उम्र थी इनकी? 22 साल तो होगी, 22 की शादी। अच्छा, क्या करते थे ये? ये बेलदारी भी करता, चुनाई भी करता था, मशीन भी चलाता था। इसका कोई लगा काम नहीं था, मतलब कोई एक काम पकड़ चलता, ये परदेश चलता रहता। तो अब इसमें आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, जो आपकी सहमत हो चाहते हैं, मतलब हाथ पर कोई कार्रवाई किस तरह का ना होना चाहिए। ये खुद अपने आप खुशी से अब